दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी गवर्नेंस जॉब पर। दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है दोस्तों रेलवे ग्रुप डी से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए। देखिए दोस्तों हमारा ये नव भारत टाइम का दोस्तों अपडेट है, इसमें बताया गया है कि आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2018 बुधवार को रिजल्ट संभव। दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट है, बुधवार को रिजल्ट संभव, जाने कितने अंक मेरिट के लिए हैं जरूरी। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका डेट और लगभग ये 6 बजे का दोस्तों आज लेटेस्ट न्यूज़ है आप सभी के लिए। दोस्तों यह अपडेट देना बहुत ज़रूरी था दोस्तों, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए पूरी न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ बताया गया है कि आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2018 घोषित होने का समय नज़दीक आता जा रहा है। एक लंबी एग्जाम प्रक्रिया के बाद इसका रिजल्ट तैयार करना भी दोस्तों अपने आप में रेलवे के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए नीचे बताया गया है पूरा का पूरा कि आरआरबी 2019 ग्रुप डी रिजल्ट बुधवार यानी कि 13 फरवरी को घोषित होने की उम्मीद है। दोस्तों ये उम्मीद है, कंफर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि IndianExpress.com ने दोस्तों पहले ही अंगराज मोहन अधिकारी हैं रेलवे के, उन्होंने कह दिया था कि आपका रिजल्ट 17 को ही दोस्तों आने वाला है, ठीक है। और दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है दोस्तों, मैं आपको वीडियो के लास्ट में दोस्तों बताने वाला हूँ कि दोस्तों 17 फरवरी भी दोस्तों आपकी रिजल्ट चेंज हो चुकी है। देखिए मैं आपको बता दूँ अभी, हालांकि रेलवे ने अभी भी आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट डेट 2019 को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन हमारे सहयोगी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की दोस्तों रेलवे प्रक्षेपण बोर्ड के अधिकारियों से भी बातचीत। दोस्तों यहाँ पर जो अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया है कि रेलवे प्रक्षेपण बोर्ड के अधिकारियों से भी बातचीत में बताया गया है कि रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। दोस्तों जो अखबार होता है बहुत बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा है इनके संवाददाताओं ने रेलवे अधिकारियों से दोस्तों बातचीत करके कि आपका रिजल्ट तैयार हो चुका है, ठीक है, ओनली अभी रिलीज नहीं किया गया है। करीब 1.89 करोड़ अभ्यर्थियों ने इस 1.89 लाख अभ्यर्थियों ने दोस्तों यहाँ पर इस एग्जाम में हिस्सा लिया था। और आरआरबी ग्रुप डी 2018 यहाँ पर रिजल्ट तैयार करना भी दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। नीचे पूरा अपडेट दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। यह बताया गया है कि रेलवे प्रक्षेपण बोर्ड आरआरबी से हुई बातचीत में बताया गया कि रिजल्ट फरवरी के मध्य में घोषित किया जा सकता है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 18, देखिए दोस्तों ये नई डेट आई है, 18 फरवरी को भी रिजल्ट घोषित होने की बात कही जा रही है। देखिए दोस्तों अभी हमारी 17 जो फरवरी थी दोस्तों हमारी, जो IndianExpress.com में दोस्तों यहाँ बताया गया था, उसको भी दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट एक दिन बढ़ा दिया गया है। दोस्तों दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, आप लोग का भी यहाँ पर दिमाग ख़राब होता जा रहा होगा दोस्तों, दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले कहा गया था 13, फिर कहा गया यहाँ पर 17, फिर कहा गया यहाँ पर 18, ठीक है। दोस्तों ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, आप सब जानते भी हैं कि दोस्तों जो मीडिया में दोस्तों न्यूज़ आती हैं वही दोस्तों मैं आप हम लोग दोस्तों आप तक अपडेट देते हैं, ठीक है। यहाँ 18 यहाँ पर कहा गया है कि 18 फरवरी को भी आपका रिजल्ट घोषित होने की बात कही जा रही है। आरआरबी ग्रुप डी का CBT एग्जाम में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के मुताबिक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होगा। नीचे बताया गया है कि सामान्य वर्ग के लिए मेरिट में शामिल होने के लिए दोस्तों 40% अंक लाना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको ऑफिशियल यहाँ पर नोटिफिकेशन में हमने भी दोस्तों बताया था। हालांकि SC ST OBC वर्ग के आवेदकों के लिए मेरिट में शामिल होने के लिए कम से कम 30% अंक लाने होंगे, ठीक है। यह एग्जाम 3 महीनों के लंबे अंतराल के बाद खत्म हुए हैं, ऐसे में एग्जाम में डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है और कुछ में कम हो सकता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इस एग्जाम में रेलवे भर्ती बोर्ड नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट था। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट देखते हैं आज का। दोस्तों हमारा नेक्स्ट अपडेट है NDTV इंडिया का। दोस्तों यहाँ बताया गया है, सब सब देख सकते हैं कि आरआरबी रिजल्ट 2019, जानिए कब जारी होगा ग्रुप डी का रिजल्ट, आरआरबी अधिकारी ने ये कही बात। दोस्तों ये कौन सी बात कही है मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा का पूरा। दोस्तों आप पहले डेट देख लीजिए इसको, 12 यहाँ पर फरवरी की न्यूज है दोस्तों, यहाँ पर 17:59 दोस्तों यहाँ पर 1 घंटा पुरानी दोस्तों न्यूज है, ठीक है। यह बताया गया है कि आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभी रिजल्ट जारी करने की कोई तारीख तय नहीं की है, लेकिन रिजल्ट फरवरी के मध्य में जारी किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों आगे पूरी न्यूज़ को देख लेते हैं। बताया गया है आप सभी के लिए कि अभी यहाँ पर अभी रिजल्ट जारी करने की कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। जल्द ही रिजल्ट जारी होने की तारीख से संबंधित एक नोटिस सभी आरआरबी वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि आप सभी के लिए एक नोटिस यहाँ पर आरआरबी वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। हालांकि मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक रिजल्ट 17 फरवरी को घोषित किया जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि 17 फरवरी को ही आपका रिजल्ट है घोषित किया जाएगा। हमने इस पर VRRB के अधिकारी से बात की, उन्होंने इस तरह की खबरों को नकार दिया। देखिए
यहाँ बता रहे हैं ये लोग कि जो दोस्तों हमारे संवाददाता हैं एनडीटीवी इंडिया के, ये बता रहे हैं कि हमने आरआरबी अधिकारी से पूछा है तो वो बता रहे हैं कि ये बात नकार दी, ठीक है उन्होंने, आरआरबी अधिकारियों ने। उनका कहना है कि अभी रिजल्ट जारी होने का समय है, ठीक है, कि अभी रिजल्ट जारी होने में समय है, मतलब दोस्तों अभी लेट आपका रिजल्ट हो सकता है। यहाँ साफ साफ कहा गया उन्होंने कि अभी रिजल्ट जारी होने में समय है, ठीक है। उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है, अधिकारियों ने कहा है कि उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है, आरआरबी अधिकारी ने कहा। करीब 1.89 करोड़ लोगों के ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जबकि इस परीक्षा में 1.17 लाख लोग एक करोड़ 17 लाख लोगों ने भाग लिया था। इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करना एक बड़ा काम है, हम नहीं चाहते हैं कि रिजल्ट में कोई गलती हो। दोस्तों साफ साफ कहा गया है आरआरबी के अधिकारियों के द्वारा कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उम्मीदवार थे और हम रिजल्ट में कोई भी गलती नहीं चाहते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन अगर मध्य फरवरी के हिसाब से देखा जाए तो रिजल्ट 13 फरवरी के बाद किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। दोस्तों आप बहुत ही बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। दोस्तों मैंने ये उचित समझा वीडियो बनाना, आप सभी को दोस्तों यहाँ पर जानकारी देना। तो दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि आपको हमारे माध्यम से रेलवे की पल पल की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।